इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं मिस्टर पंकज शंखवार जी। पंकज शंखवार जी एक आईटी कंपनी अपना पार्वती सॉफ्टवेयर के नाम से यहाँ पर रन करते हैं फिरोजाबाद में। और पंकज जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमें आप ये बताइए कि एक चूंकि आप एक आईटी कंपनी चलाते हैं और फिरोजाबाद जो है वो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का इसको दर्जा प्राप्त है, स्मार्ट सिटी का सर्टिफिकेट है इसके पास में, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई फिरोजाबाद जो है वो स्मार्ट सिटी है? देखिए अगर मेरे निजी विचार अगर आप पूछें तो मुझे नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी है अभी पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारी कमियां हैं हमारे शहर के अंदर। किन मायनों में आप एक स्मार्ट सिटी मानेंगे फिरोजाबाद को? मैं स्मार्ट सिटी तब मानूंगा जब कंप्लेंट जो है वो स्मार्टली अगर हो अवेलेबल। हम कंप्लेंट करते हैं नगर निगम किसी भी तरीके किसी भी क्षेत्र में, अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो वो शिकायतें पूरी नहीं हो पाती हैं। हम दस जो कॉल लगाते हैं कस्टमर केयर पर कॉल लगा रहे हैं लेकिन वो सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। कस्टमर केयर जिस नंबर कॉल लगाए उस नंबर पर ये कहते हैं कि साहब आप जो नंबर दिया गया उसी पे कॉल, आप जो नंबर दिया है उसी पे कॉल लगा रहे हैं, उसके बावजूद हमें ये शिकायतें मिलती हैं साहब उसी पे कॉल लगाइए। तो ये सब दिक्कतें रहती हैं, टेक्नोलॉजी की दिक्कत, टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा अभाव है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन उतनी अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं आईटी की तो हर डिपार्टमेंट में हमारे पास कंप्लेंट की जो एप्लीकेशन हैं उनका सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, ट्रैकिंग व्यवस्था नहीं है हमारे पास जो एप्लीकेशन हैं। मैं समझता कि स्मार्ट है ठीक है। तो अगला महापौर कैसा चाहते हैं आप? तो सभी क्षेत्रों को लेकर चले कि वो लेकर गलियों सड़कों को लेकर ना चले, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कई सारी डेवलपमेंट की आवश्यकता है फिरोजाबाद को डिजिटल बनाने की। आपके हिसाब से कुछ जरूरत है डिजिटल बनाने की? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। किन मायनों में किस तरीके से डिजिटल बना सकते हैं फिरोजाबाद को? अगर आपसे आने वाला महापौर सजेशन मांगे कि फिरोजाबाद को हमें डिजिटल करना है तो कैसे आप क्या सजेशन उसको देंगे? डिजिटली के लिए पहले तो हमारी जो कंप्लेंट जो होती हैं उसी के रिगार्डिंग मैं कहूँगा कि साहब हम जो कंप्लेंट कर रहे हैं उसको ट्रैकिंग की व्यवस्था अच्छी हो, इंस्टेंटली हमें सोल्यूशन मिल सके, हम कहाँ हैं किस स्टेज पे हैं किस लेवल पे हैं वो हमें पता लग सके। आईटी के मामले में अगर बात करता हूँ तो जी हम फोटो खींच के भेजते हैं, कहाँ भेजें किसके पास भेजें क्या करें नहीं अवेलेबल, हमें नहीं पता, अवेयर ही नहीं है हम ऐसी एप्लीकेशन से, हमें पता ही नहीं है। हालांकि अभी वर्तमान में जो नगर निगम में है अभी एक एप्लीकेशन भी है, शिकायत के लिए भी एक एप्लीकेशन है, और आपके पास आपका जो जैसे साफ सफाई है या पानी की व्यवस्था है इन सब के लिए भी एक एप्लीकेशन है जिस पर आप फिरोजाबाद को रेटिंग दे सकते हो कि आपका वाकई फिरोजाबाद जो है वो स्वच्छता में या बाकी चीज़ों में नंबर वन है या नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या ये सब चीज़ें इसको स्मार्ट बनाती है या फिर इसकी अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में? इसकी अवेयरनेस नहीं है, किस चीज़ की कमी है? अवेयरनेस की कमी नहीं, कमी है सबसे पहले तो, सबसे पहले तो अवेयरनेस की कमी है, अवेयर ही नहीं है। मैं अगर कई जगहों पर मैंने खुद पर्सनली विजिट किया है तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ लोग अवेयर हैं, मैं खुद बता बता के उनको बता रहा हूँ लेकिन वो टच चलाना ही जानते हैं। अब एप्लीकेशन जो अवेलेबल करा रखी है उसको ऐसे इतना हार्ड बना रखा कि वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है, बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे साथ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी मुद्दे पर संवाद करने के लिए कि अगला महापौर कैसा और कौन होना चाहिए श्रीमान अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी ये विभव नगर पर एक मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके नजरिए से फिरोजाबाद का जो आने वाला महापौर है वो कैसा होना चाहिए। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद गौरव चौहान जी। मेरे हिसाब से तो महापौर जो भी व्यक्ति आए वो सबसे पहले है ना अपनी खुद की छवि में खुद के दृष्टिकोण में है ना सुधारात्मक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम सामाजिक स्तर पर देखते हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों ने आपको कहने की कोशिश भी की है और कहते भी हैं आम बातों में कि महापौर की है ना जो जिम्मेदारी है वो स्वच्छता होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, सड़क है नाली है, इन तमाम शिकायतों के बावजूद लेकिन सबसे पहले सामाजिक दृष्टिकोण में वो व्यक्ति विशेष अपने आप में हमें सुधारात्मक रूप से चाहिए, जिसकी छवि हमारे मायने में हमारे बच्चों के मायने में अगर सुधरी होगी तो शायद हो सकता है कि वो इन सड़क और पानी की समस्याओं के साथ साथ सामाजिक समस्याओं को भी है ना निदान कर सकता है। जी वर्तमान महापौर को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं इस समय वर्तमान में जो श्रीमती नूतन राठौर जी जो थी मैं उनको 10 में से 10 देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से वो इस मतलब पद के लिए पूर्ण रूप से उम्मीदवार थी, आगे भी रहेंगी और उनको रहना चाहिए।
में महापौर के चुनाव होने वाले हैं, नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, और हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि आने वाला महापौर उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। जी, तो वैसे ही बीइंग अ टीचर मेरी भी एक खासियत खास ख्वाहिश है कि मैं भी चाहता हूँ कि शहर में हमारा जो महापौर मिले, जो मेयर मिले, हम चाहते हैं कि वो आम नागरिक की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर काम करें। जैसे कि सड़कों की व्यवस्था, गलियों में जो बहुत बार देखा होगा आपने मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि फलां जो मोहल्ले में वहाँ बीमारियां फैल गई, गंदगी फैली हुई है, या फिर सड़कें नहीं बनी हुई हैं, वहाँ गलियां नहीं बनी हुई हैं। तो प्राथमिकता के तौर पर उन पर काम किया जाए, और महापौर की प्राथमिकता में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि शहर हमारा जो शहर चुने गए हैं जो पॉश वाले, उनमें भी हमारा शहर का नाम है फिरोजाबाद का, तो फिर उसके लिए कुछ काम करें, मतलब गलियों से, शहर से गंदगी दूर करें, और साथ में लोगों की पानी की व्यवस्थाएं, हालांकि अभी काफ़ी सुदृढ़ हो चुकी है पहले की अपेक्षा, लेकिन अभी जो डीप एरिया हैं शहर के, उनमें अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी हुई है, वहाँ पर काम करें। प्लस इसके अलावा सुविधाएं जो नगर निगम में होनी चाहिए, जैसे कि सफाई कर्मी समय से पहुँचे और गलियों की साफ सफाई रखे, ताकि जो बीमारियां ना फैलें। अभी हाल ही में बड़ी महामारी फैल के चुकी है और हम उससे बुरे दौर से गुजरे हैं, तो ऐसे दौर में, फिर उसके बाद हाल ही में एक हमारा जो फिरोजाबाद शहर बड़े पटल पर छा गया था डेंगू की वजह से, तो वो बीमारियां केवल हमें साफ सफाई से हम दूर रख सकते हैं। तो मेयर की प्राथमिकता पर ये होना चाहिए कि शहर जो है साफ सुथरा रहे, और जिन मानकों पर खरा उतरने के बाद हम बेहतर शहरों में हमारी गिनती हो पाएगी, उन सब मानकों में उन पर काम करें और बुराइयों को, कमियों को दूर करके आगे बढ़ें। जी, वर्तमान में जो हमारी महापौर हैं, उनको आप कितना प्रतिशत तक उनसे संतुष्ट हैं? वर्तमान महापौर ने अभी कार्यभार संभालने के बाद अभी लगभग 5 साल पूरी हो गई है उनकी, तो काफ़ी कुछ किया है, अच्छा काम किया है, मैं ये नहीं कहता कि खराब काम किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन हाँ अभी सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, और उम्मीद है आगे आने वाले महापौर से कि वो गुंजाइश जो है पूरी खत्म हो जाएगी और निकट भविष्य में एक अच्छा शहर। कई तरह के आवेदनकर्ता जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, भाजपा में लगभग 150 से ज़्यादा आवेदक हैं, और इसी तरह की और जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, भारतीय और बसपा है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, इससे भी 4-6-10 लोगों के करीब करीब नाम हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन सब में से कई शिक्षाविद हैं, कई लोग व्यवसायी हैं, कई लोग सोशल वर्क से हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर काम कर सकता है? देखिए, ये कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेहतर करने के लिए, और इसके कई सारे पहलू भी हैं। अगर मैं व्यक्तिगत अपनी राय देना चाहूँ तो किसी के शिक्षाविद होने से उसकी आइडियोलॉजी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके अगर मैं फ्रेंकली कहूँ कि अगर वो जो ऊपर से सपोर्ट मिलता है, अगर उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो शिक्षाविद भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे होंगे इशारा मैं किस तरफ देना चाह रहा हूँ। तो कुल मिलाकर क्या है कि महापौर जो भी हो आइडियोलॉजी अपनी लेकर आए, लेकिन अब इसमें सपा बसपा भाजपा ये सब मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता, मतलब बेहतर व्यक्ति हो जिससे समाज की समझ हो, और किन चीज़ों पर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद समाज की स्थिति बेहतर बनेगी, सुदृढ़ बनेगी, उन पर वो काम करे, समझे और लोगों की समस्याओं को दूर करे। थैंक यू वेरी मच। तो बीइंग अ टीचर सर ने बताया कि किस तरीके का महापौर फिरोजाबाद को मिलना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक होते हुए शिक्षक के नज़रिए से हमने देखा कि फिरोजाबाद को किस तरीके का महापौर चाहिए।